अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा कि जो चुनाव के दौरान उम्मीदवार होते हैं, यानी कि जिन्हें आप चुनते हैं, विधायक हो फिर चाहे आपका लोकसभा सदस्य हो, इनके एक तरह से क्या रहता है कि इनकी जो खर्च करने की सीमा निर्धारित की गई है, लेकिन आप देखते हैं कि उस सीमा से अधिक खर्च किया जाता है। अगर आप एक सीधे साधे आदमी हैं और आप सोचिए कि आपको चुनाव लड़ना है, तो इस समय मुझे लगता है कि संभव भी नहीं है, क्योंकि आप देखते हैं पूरी तरह से चुनाव पैसे पर निर्भर हो चुका है। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने अन्ना हजारे साहब का एक वक्तव्य सुन रहा था, उनसे कहा कि किसी ने कहा कि वो आप चुनाव क्यों नहीं लड़ लेते हैं, तो उन्होंने एक सीधा सा वाक्य कहा कि वो अगर मैंने चुनाव लड़ा तो मेरी जमानत जब्त हो जाएगी। बोले क्योंकि जनता क्या करती है कि वोटर क्या करते हैं कि 500 और 1000 का नोट देखते हैं और बदल जाती है। खैर अब आपका 1000 का नोट बंद हो चुका है तो 2000 का चलने लगा है, तो कहीं 500, कहीं 200 और कहीं 2000 का। तो आप समझिए कि एक कहां विकास कहां होगा। अभी कुछ ही देर पहले मैंने कहीं किसी सरपंच साहब के बारे में सुना था, तो सरपंच साहब ने 25 से 30 लाख रुपए खर्च किए किसके लिए, चुनाव जीतने के लिए। आप सोचिए वो पागल तो है नहीं है, वो पहले 25 के कम से कम 50 लाख तो निकालेगा, उसके बाद विकास करेगा, तो उसके बाद क्या बचेगा वो देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या इस समिति निर्धारित गठन करने की बात की जा रही है। और याद रखिए इससे आपके प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाता है, और जब आप लिखित आंसर लिखते हैं तो उसमें भी आपके लिए कई बार पूछ लेता है, और वहां भी इन आंकड़ों को आप डाल सकते हैं। ठीक है, और वैसे भी सामान्य जानकारी को आपके लिए आपको मालूम होना चाहिए। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग यानी कि चुनाव आयोग ने चुनाव के दौरान उम्मीदवार द्वारा किए गए कुल व्यय सीमा से संबंधित मुद्दों की जांच समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति के बारे में बात करें तो इस समिति को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्वाचकों की संख्या में परिवर्तन और लागत मुद्रास्फीति सूचकांक CII में परिवर्तन का आकलन और हाल में संपन्न चुनावों में उम्मीदवार के खर्च पैटर्न पर पड़ने वाले असर का आकलन करने का काम सौंपा गया है। आयोग द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण पर राजनीतिक दलों ने कहा है कि COVID-19 महामारी के कारण बढ़े हुए डिजिटल अभियान के खर्चों को पूरा करने के लिए बिहार विधानसभा चुनावों की खर्च सीमा में वृद्धि की जाए। विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा चुनाव नियम 1961 के नियम 90 के एक संशोधन को अधिसूचित किया गया, और इसके तहत तत्काल प्रभाव से लागू व्यय की सीमा में 10% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कितनी? 10% की बढ़ोतरी कर दी गई है। एक बात और आपको बताऊं, लॉकडाउन के टाइम आपने देखा है कि इतना भयंकर तरीके से तबाही झेलती रही है एक तरह से जनता, लेकिन कोई नेता, कोई विधायक, कोई मंत्री, कोई आपका उनका साथ देने के लिए नहीं आया। हाँ, किसी ने मदद की है तो समाज से भी जो भी रहे हैं उन्होंने ही मदद की है, या आपके पड़ोसी ने आपकी मदद की है, आपने अपने पड़ोसी की मदद की है। तो याद रखिए, अगर आप बिकते ना अपना 500 1000 का नोट में अपना वोट ना बेचते, ईमानदारी से अपना वोट देते, तो मुझे लगता है कि ये दिन हमें देखने को नहीं मिलते। और हमारा देश, आप देखते हैं ना कि हमें राफेल खरीदने की जरूरत पड़ती है बाकी देशों से, तो ये भी खरीदने की जरूरत ना पड़ती, हमारे देश में शिक्षा होती, स्वास्थ्य होता, स्वास्थ्य की व्यवस्था होती, हम लोग राफेल से तगड़े विमान बना रहे होते, हमारी सेना भी तगड़ी शक्तिशाली होती, हमारे यहाँ हर तरह से आपको सुविधाएं। आज आप चाइना फोन खरीदते हैं, 4-5 फोन अगर आपके मार्केट में है तो उनमें से आप देखेंगे 3 से 4 यानी कि 70 से 75% और आपकी चाइनीज कंपनियों का कब्जा है एक तरह से, तो ये भी ना देखने को मिलता। ठीक है, अगर पूर्व में किए गए संशोधन की बात करें अगर हम लोग, तो चुनावी खर्चे की सीमा को अंतिम बार वर्ष 2014 में संशोधित किया गया था, जबकि वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के विभाजन के बाद वर्ष 2018 में उनके चुनावी खर्च सीमा में संशोधन किया गया। उसके बाद 2014 से 2020 के दौरान मतदाताओं की संख्या में 834 मिलियन से 921 मिलियन तक की वृद्धि होने के बावजूद खर्च सीमा में वृद्धि नहीं की गई। वर्ष 2014 का लागत मुद्रास्फीति सूचकांक 2220 से बढ़कर 2020 में ये 301 हो गया। अगर हम लोग खर्च की बात करें व्यय सीमा की, तो यह वह राशि है जो एक उम्मीदवार द्वारा अपने चुनाव अभियान के दौरान कानूनी रूप से खर्च की जा सकती है, जिसमें सार्वजनिक बैठकों, रैलियों, विज्ञापनों
पोस्टर, बैनर वाहनों और विज्ञापनों पर खर्च शामिल हुआ इसमें। विधानसभा चुनाव के लिए सीमा 20 लाख रुपए से 28 लाख रुपए तक है, और लोकसभा चुनाव के लिए बात करें तो 54 लाख रुपए से 70 लाख रुपए तक है। ये कई बार आपका प्रीलिम्स में फैक्ट में पूछ लेता है, ठीक है? तो याद रखिए, आप सोचिए कि अगर आपको विधायक का चुनाव लड़ना है तो सरकार की तरफ से जो आपका चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि 20 से आप 28 लाख तक खर्च कर सकते हैं, और अगर लोकसभा सदस्य आपको बनना है और आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो 54 से 70 लाख तक। लेकिन याद रखिए, इससे कई गुना ज्यादा खर्च किया जाता है, आप खुद देख लेते होंगे। विधायक के लिए आप अपने आसपास की ये स्थिति को तो जानते रहते होंगे, तो इस सीमा को याद रखना। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 77 के तहत प्रत्येक उम्मीदवार को नामांकन की तिथि से लेकर परिणाम घोषित होने की तिथि तक किए गए सभी व्यय का एक अलग और सही खाता रखना होता है। चुनाव संपन्न होने की 30 दिनों के भीतर सभी उम्मीदवारों को ECI के समक्ष अपना व्यय विवरण प्रस्तुत करना होता है। उम्मीदवार द्वारा सीमा से अधिक व्यय या खाते का गलत विवरण प्रस्तुत करने पर आरपीए 1951 की धारा 10 के तहत ECI द्वारा उसे 3 साल के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। देखिए क्या होता है कि कानून तो बने हुए हैं लेकिन उसकी तरह एक तरह से सजा नहीं मिलती है। आप सोचिए कि अभी आपने देखा है कि हमारे न्यायालय ने अभी क्या दिया था, नैडा, कि आपको अपनी, जैसे आपको चुनाव लड़ना है तो आपकी पूरी जानकारी आपको अपनी जन्म कुंडली देनी होगी कि आप पर कितने केस हैं, कितने मुकदमे हैं। आपको एक लोकल न्यूज़पेपर में एक तरह से जनता को मालूम चल जाए, जैसे आप किसी विधानसभा से चुनाव से लड़ रहे हैं विधानसभा, तो आप वहां की जनता को मालूम तो होना चाहिए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने क्या क्या किया है, आप पर केस कितने चल रहे हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि हर पार्टी इसमें समझौता नहीं करती है और इस तरह के जो भी निर्णय आते हैं उन्हें नकार देती है, क्योंकि आप हर पार्टी में देखेंगे दागी, बलात्कारी, एक तरह से आप सोचिए कि मौत का खेल खेलने वाले बलात्कारी, जो डकैत, आप इसी तरह के, आपको 80, आप सोचिए कि आधे से अधिक आपको जो भी आपके सांसद हों, विधायक हों, वो दागी मिलेंगे आपको। तो इनसे उम्मीद आप क्या कर सकते हैं, ठीक है? अभी आपने यूपी में देखा होगा कि एक विधायक जी ने कितना, मतलब आप सोचिए कि उस लड़की के पूरे परिवार को खत्म कर दिया और सबके सामने हम लोग तमाशा देखते रहे, समझ में आए? तो इसी लोगों को चुनाएंगे तो उसी का हम लोग भुगत रहे हैं, भुगतते रहेंगे। ECI द्वारा निर्धारित व्यय सीमा चुनाव के दौरान किए जाने वाले व्यय खर्च के लिए निर्धारित है, क्योंकि चुनाव में बहुत सारा पैसा गलत एवं अवांछनीय कार्यों पर खर्च किया जाता है। अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि चुनावी खर्च की यह सीमा अवास्तविक है क्योंकि उम्मीदवार द्वारा किया गया खर्च वास्तविक व्यय से बहुत अधिक होता है। ये तो आप लोग भी जानते हैं। उम्मीदवारों द्वारा चुनाव के दौरान अधिकतम खर्च की सीमा के निर्धारण के संदर्भ में दिसंबर 2019 में एक निजी सदस्य द्वारा संसद में बिल पेश पेश किया गया, और यह कदम इस आधार पर उठाया गया कि प्रत्याशियों के चुनाव चुनाव खर्च के संबंध में किसी भी राजनीतिक पार्टी द्वारा खर्च की कोई उच्चतम सीमा निर्धारित नहीं है, जिस कारण अक्सर राजनीतिक पार्टियों द्वारा उम्मीदवारों का शोषण किया जाता है। हालांकि सभी पंजीकृत राजनीतिक दलों को चुनाव पूरा होने के 90 दिनों के भीतर चुनाव आयोग को अपने चुनाव खर्च का ब्यौरा प्रस्तुत करना होता है। देखिए, एक तरह से आप कहिए कि आपने कोई ताला बनाया तो उसकी की बन ही जाती है, तो ये क्या करते हैं कि सब रास्ता निकाल लेते हैं, ये झूठ भी, जो भी वहां लिखना देना होगा, जो जानकारी, वो झूठ भी दे देंगे। और आधे से आप सोचिए कि शपथ काहे की ली जाती है, जब आपने देखा होगा कि आपका विधायक हो, फिर चाहे आपका संसद सदस्य हो, जो भी हो, वो एक तरह से ना झूठ बोलने की, एक तरह से जनता के लिए जीने की, जनता के लिए मरने की कसम खाता है, उसके बाद कितना जीता है जग जाहिर है। राज्यों द्वारा चुनाव की फंडिंग की बात करें हम लोग, तो इस प्रणाली में राज्य द्वारा चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दलों का चुनावी खर्च वहन किया जाता है। यह प्रणाली वित्त पोषण प्रक्रियाओं में पारदर्शिता ला सकती है क्योंकि यह चुनावों में इच्छुक सार्वजनिक वित्त दाताओं के प्रभाव को सीमित कर सकती है। इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। और राज्य अनुदान पर सिफारिशें की बात करें अगर हम लोग,
तो इंद्रजीत गुप्ता समिति, इन समितियों को जरूर याद रखिए, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग जब आंसर राइटिंग में डालेंगे, आंसर लिखेंगे, तो आपका आंसर प्रभावकारी होगा और नंबर आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है। और वैसे भी आपका कभी भी कोई भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 द्वारा यह सुझाव दिया गया कि राज्य द्वारा वित्त पोषक पोषण आर्थिक रूप से कमजोर राजनीतिक दलों के लिए एक समान आधार को सुनिश्चित करेगा और एवं ऐसा कदम सार्वजनिक हित में होगा। यह भी सिफारिश की गई कि राज्य द्वारा यह धन केवल मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य दलों को दिया जाना चाहिए तथा यह आर्थिक सहायता उम्मीदवारों को प्रदान की जाने वाली मुफ्त सुविधाओं के रूप में दी जानी चाहिए। पर आपने देखा होगा विधि आयोग की रिपोर्ट 1999, इसके अनुसार राजनीतिक दलों को चुनाव के लिए राज्य द्वारा वित्तीय सहायता देना वांछनीय उचित है, वास्तव में राजनीतिक दल अन्य स्रोतों से अधिक आर्थिक सहायता प्राप्त न करें। संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग 2000 सन 2000 द्वारा इस विचार का समर्थन नहीं किया गया, लेकिन इसके द्वारा उल्लेख किया गया कि राजनीतिक दलों के नियमन के लिए एक उपयुक्त रूपरेखा को राज्य द्वारा वित्त पोषण से पहले लागू करने की आवश्यकता है। चुनाव आयोग राज्य राज्य को चुनाव के आधार पर धन देने के पक्ष में नहीं है। आयोग का पक्ष है कि वह राज्य द्वारा प्रदत्त धनराशि का उपयोग उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले व्यय की जांच करने और अन्य खर्चों पर रोक लगाने लगाने सक्षम नहीं होगा। अगर बात करें लागत मुद्रा स्फीति सूचकांक की, तो इसका उपयोग मुद्रा स्फीति के कारण वर्ष दर वर्ष माल और संपत्ति की कीमतों में वृद्धि का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। इसकी गणना महंगाई दर की कीमतों से मिलान करने के लिए की जाती है और सरल शब्दों में समय के साथ मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि से कीमतों में वृद्धि होगी। मूल मुद्रा स्फीति सूचकांक बराबर पूर्व वर्ष के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में औसत वृद्धि का 75%। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कीमतों में वृद्धि की गणना करने के लिए पिछले वर्ष की वस्तुओं और सेवाओं की बास्केट की लागत की तुलना वर्तमान वस्तुओं और सेवाओं की बास्केट कीमत से करता है। केंद्र सरकार द्वारा CII को आधिकारिक गजट में अधिसूचित किया जाता है। तो याद रखिए, ये कुछ पॉइंट हैं आपके, तो इन्हें आपको याद रखना है। और वैसे आप लोग खुद जानते हैं इतना तक कि अगर हम आप जैसे लोग अगर चुनाव लड़ना भी चाहें तो कभी नहीं जीत सकते हैं। ईमानदारी से अगर कोई चुनाव लड़ना चाहे कभी नहीं जीत सकते हैं। उसमें नेताओं की गलती नहीं है, उसमें हम भी उतने ही जिम्मेदार हैं कि जितने वो जिम्मेदार हैं, ठीक है। खैर छोड़िए, अपने लगे रहिए, ठीक है।